मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई थिंक आई डोंट नीड टू इंट्रोडक्ट माई सेल्फ एज ऑल ऑफ यू आर नो मी राइट. सो आई नो दैट आई एम क्वाइट लेट, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू मेक योर सिलेबस कम्प्लीट एंड मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक विद एम सी क्यू, विद थियरी, विद प्रैक्टिकल. सो नाउ हम अपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, विच इज एच टी एम एल फॉर्म यूजिंग कंपोजर. क्रिएटिंग एन एच टी एम एल फॉर्म यूजिंग कंपोजर, ये चैप्टर में से आपको 8 मार्क्स की थियोरी एंड 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ सकता है एग्जाम में, राइट. ओके, इन दिस चैप्टर, बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, आई वॉन्ट टू नो दैट हाउ मैनी ऑफ यू नो द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉम्प्यूटर. मैंने आपको आपके 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में 11th कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर फंडामेंटल्स समझाए थे सारे, राइट. कौन से थे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, क्या था कंप्यूटर, क्या है, कैसे वर्क करता है, इसमें सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या है, राइट. ये सारी चीज मैंने बताई थी, डेटा क्या है, प्रोसेस क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है. इफ किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता तो मेरी चैनल पे जाके आप ये वीडियो एक बार देख लो, तो आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. ये कंप्यूटर फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है, आपको सारा आइडिया आ जाएगा. नाउ हमारे फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, विच इज क्रिएटिंग एच टी एम एल फॉर्म यूजिंग कंपोजर. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज एच टी एम एल? एच टी एम एल इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. That means we are use HTML form to generate a web form. आप सबको पता होगा कि जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, कोई एजुकेशन वेबसाइट हो, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट हो, या कोई भी वेबसाइट जिसे हम ओपन करते हैं, तो वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है. तो वो रजिस्ट्रेशन में जो भी फॉर्म आते हैं वो किससे बने होते हैं? HTML से बने होते हैं. HTML. With the increase in the use of internet, many activities have become online. जैसे हमें पता है कि nowadays we learn everything online, right? So we may use a web page to fill information about ourselves or a product. जैसे मैंने बताया कि अगर आप Insta या Facebook या कोई भी education website open करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसमें क्या आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर वैल्यू, व्हाट इज फोन नंबर, व्हाट इज योर एज एटसेट्रा, राइट. तो एच टी एम एल फॉर्म आर यूज टू हेल्प द विजिटर ऑफ द वेबसाइट टू इनपुट द डेटा. इट अलाउ फॉर मोर इंटरएक्टिविटी एंड कंट्रोल इन द डेटा. Want to open a mail account, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको example दिया हुआ है कि आपको mail account create करना होता है या register करना होता है, आपको आपकी information क्या करनी पड़ती है, उसमें input करनी पड़ती है, insert करनी पड़ती है. So this information used to set up the account for the user. In order to obtain such information on internet, HTML form या are used. ये HTML फॉर्म जो है वो वहाँ पे यूज होता है, उसके यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं. अभी ये HTML फॉर्म एक्चुअल में है क्या, तो वो सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके हम बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉर्म. दिस डेटा इज फर्दर स्टोर बाय एप्लीकेशन एंड यूज टू रिट्राइव द डिटेल्स अबाउट द यूजर रजिस्टर ऑन अ वेबसाइट. आप सबको पता होगा, अगर किसी ने एजुकेशन वेबसाइट पे जाके लॉग इन किया होगा या रजिस्टर किया होगा, तो रजिस्टर करने के बाद क्या होता है, सिर्फ आपको क्या इंसर्ट करना पड़ता है, आईडी एंड पासवर्ड, राइट, और फोन नंबर और पासवर्ड. सो ये क्या हो जाता है कि एप्लीकेशन में अपना पूरा जो डेटा है, आप अगर कुछ भी अपना इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं अपनी सद्गुरु इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाके, आप अपने अपने आपको जो रजिस्टर करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ आ जाती है, सद्गुरु इंस्टीट्यूट के पास. तो ये हो गया अपना एप्लीकेशन एंड यूज टू रिट्राइव द डिटेल्स, राइट. इसके बाद आता है HTML. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज HTML? मैं आपको पूरा HTML स्ट्रक्चर अभी दिखाती हूँ. HTML इज अ कंटेनर.
जब भी आपको पता होता है कि आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो क्या होता है कि अभी अहमदाबाद से या बड़ौदा से, आप कुछ भी सोच लीजिए, आपने बेंगलोर से कुछ ऑर्डर किया, तो क्या होगा, अकेले आपका पार्सल आएगा? नहीं, अकेले आपका पार्सल नहीं आएगा। उस दिन जिसने भी ऑर्डर किया होगा, किसी ने शूज किया है, शर्ट किया है, जो भी अपनी नीड है, वो क्या करेंगे, ऑनलाइन परचेस करेंगे। तो बेंगलोर से ये सारा पार्सल कहाँ आएगा, कंटेनर में आएगा, राइट? तो ये कंटेनर हो गया अपने शॉपिंग का, जो अपने शॉप करते हैं ऑनलाइन, उससे हम कंटेनर के थ्रू वो यहाँ पे बेचते हैं और हम उसे अचीव करते हैं। ऐसा ही HTML कंटेनर है, जो बना होता है एलिमेंट से, एट्रीब्यूट से, वैल्यू से। ये एलिमेंट और एट्रीब्यूट क्या है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। HTML इज अ कंटेनर यूज टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूजर। जैसे मैंने बोला कि फॉर्म कलेक्ट, फॉर्म आप फिलअप करते हो तो आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें फिलअप करनी पड़ती है। HTML फॉर्म्स कंटेन एलिमेंट्स लाइक लेबल, चेकबॉक्स, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रिसेट बटन एंड मेनी मोर। तो ये सारे फॉर्म्स के एलिमेंट्स है। ये क्या है, एलिमेंट्स है। ये सारे जो लेबल है, चेकबॉक्स है, टेक्स्ट इनपुट है, ये सारे मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। अब मैनी मोर दिस एलिमेंट्स आर यूज टू एंटर द डेटा एज वेल एज वैलिडेट द डेटा विद इन द फॉर्म। अगर आपने कभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको पता होगा कि जब आप पासवर्ड एंटर करते हैं, अगर आपने न्यूमेरिक वैल्यू डाली है 1291234567891, तो कभी कभी क्या होता है, वो आपको सजेशन देते हैं दैट दिस इज योर वीक पासवर्ड, मतलब उसमें वैलिडेशन होता है। ईमेल आपने डाला होगा कभी, अगर आपने कोई भी रॉन्ग ईमेल डाला है तो आपको ये क्या बताया, वैलिडेट करके एरर शो कराता है कि दिस इज अ रॉन्ग ईमेल आईडी, राइट? सो इसे हम बोलते हैं वैलिडेशन। वी विल क्रिएट अ सिंपल फॉर्म टू एंटर डेटा यूजिंग HTML टैग, बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट द एलिमेंट यूज टू क्रिएट अ HTML फॉर्म। द एलिमेंट यूज आर डिस्क्राइब इन द सेक्शन बिलो। सो एज आई सेड, फॉर्म हैव अ एलिमेंट्स लाइक इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट एंड ऑप्शन। अभी ये सारे क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको अभी एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये HTML का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। HTML है, उसके बाद आता है हेड। आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ये सारा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मैं आपको इजीली बताती हूँ कि ये कैसे वर्क होता है। टाइटल हम दे देते हैं माय माय फर्स्ट फॉर्म, राइट? ये हो गया हमारा हेड पोर्शन। नाउ लेट्स गो ऑन बॉडी पोर्शन। सो दिस इज माय बॉडी पोर्शन इन विच आई विल फिल, आई विल मेक अ फॉर्म। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये क्या है, अपना HTML स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या आता है, HTML टैग। ये जो है हम इसे क्या बोलते हैं, HTML एलिमेंट। ये हमारा एलिमेंट हो गया। अभी अपने मैंने थियरी में आपको बताया कि एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट यूज होते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या है, एलिमेंट क्या है? तो ये जो अभी आप देख रहे हैं HTML, दैट इज अवर एलिमेंट। इसे हम बोलेंगे ओपन टैग और इसे हम बोलेंगे क्लोजिंग टैग। इसमें डिफरेंस क्या आएगा, ओपन टैग दैट मीन्स इसमें HTML कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, और क्लोजिंग टैग के अंदर क्या आएगा, HTML के साथ साथ बैक स्लैश आएगा, राइट? कर्ली ब्रैकेट के अंदर बैक स्लैश आएगा। तो ये हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। आपको MCQ में पूछते हैं कि ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में डिफरेंस क्या है, तो आप ये बस बता सकते हैं। ये पेयरिंग टैग है, ये HTML टैग और ओपन टैग और क्लोज टैग हमें लिखना पड़ता है, नीडेड है, इसके बिना हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। नाउ उसके बाद स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्या है, HTML, इसके बाद आता है हेड। हेड में हम क्या डालेंगे, हेड का हमने ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग दोनों आपको दिख रहा है, दोनों दिया हुआ है। उसके बाद हेड के अंदर आता है टाइटल,
जिसमें भी आएगा ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ये टाइटल एक्चुअल में क्या है, अभी मैं ये फाइल आपको रन करके दिखाती हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। नाउ यहाँ पे मैं एक आपको हेडिंग टैग लेके बताती हूँ, विच इज H1 इज माई फर्स्ट ट्राई। मैंने ये लिख दिया कि दिस इज माई फर्स्ट ट्राई इन H1 टैग। नाउ आई एम टेकिंग H2 टैग इन विच आई एम टाइपिंग दिस इज माई सेकेंड ट्राई, राइट। नाउ क्लोज द टैग, देन आफ्टर हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा टैग ले लेते हैं यहाँ पे, विच इज H3, दिस इज माय थर्ड ट्राई, दिस इज H3 क्लोजिंग, राइट। अभी हम क्या करते हैं, हमने ये पूरा क्या किया, हमारा हमने यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज करना भूल गए, कर दिया है मैंने। सो ये हमारी क्या हो गई, सिंपल स्ट्रक्चर हो गया HTML का। अभी हम इसे रन करवा के देखते हैं। तो रन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव एस करके सेव करना होगा। यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे इसे सेव करती हूँ और फाइल नेम में दे देती हूँ माई डेमो, डेमो दे दिया है मैंने नाम, डेमो डॉट क्या आएगा, डॉट HTML। आप मत भूलिए कि एक्सटेंशन आपको कौन सा लगाना है, डॉट HTML, कौन सा लगाना है, डॉट HTML। सेव किया मैंने, अभी हम जाएंगे फाइल में, जहां जाके मैं क्या करूंगी, इसको रन करवाऊंगी। कहाँ पे रखी थी मैंने डेमो फाइल, ये रही। अभी ये डेमो जो फाइल है मैं क्या करवा रही हूँ, रन करवा रही हूँ। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे कि मैंने क्या लगाया था, H1 टैग लगाया था। देखिए ये क्या है, मेरी कोडिंग की हुए है, और ये हमारा क्या है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या है हमारा आउटपुट। सो मैंने जहाँ H1 टैग दिया है वहां क्या दिया है, दिस इज माई फर्स्ट ट्राई। तो फर्स्ट ट्राई वाली वाली लाइन जो है वो कहाँ क्या आ रही है, H1 टैग में, दैट मीन्स वो क्या है, H2 से बड़ी है, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। जैसे जैसे आप उसकी हेडिंग 4 पे जाएंगे, सो उससे लाइन कम होती जाएगी, छोटी होती जाएंगी, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंट बिटवीन H1, H2, H3, राइट। ये दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ HTML। नाउ लेट्स गो टू क्रिएट अ फॉर्म, हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म, फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, ये हम रिमूव कर, ओके। ये टाइटल कहाँ पे आया, किसी ने पूछा नहीं मुझे टाइटल, ये टाइटल हमें कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके टैब में, यहाँ पे ये मेरा जो कर्सर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है माय फर्स्ट फॉर्म, ये है टाइटल जो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है फॉर्म में। वो टाइटल मेरा कहाँ पे प्रिंट होगा, टैब के जो टाइटल होता है, टैब में जो होता है अपर साइड वहां पे, राइट। अभी हम क्रिएट करते हैं फॉर्म। नाउ ये मैं रिमूव कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। नाउ फॉर्म, तो फॉर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम फॉर्म टैग लेना पड़ेगा। मत भूलिएगा आपको ओपनिंग टैग के साथ साथ क्लोजिंग टैग भी रखना है। फॉर्म के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल और दे रही हूँ नेम,
क्लोज, देन आफ्टर आई एम गिविंग अ इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू, मैंने क्या दे दिया है, टेक्स्ट दे दिया है, राइट। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू कि ये हमने क्या किया, देख सकते हैं हम यहाँ पे जाके क्या हुआ, ब्रश किया, क्या आया स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हैं कि नेम जो मैंने लेबल में दिया वो प्रिंट होके यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया, राइट। और जो मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया वो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे हम देख रहे हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये कहा कैसे हुआ, तो हमने ये जो कोडिंग किया लेबल और टाइप। अभी हम एक काम करते हैं, पूरे फॉर्म को क्या कर देते हैं, सेंटर में लाना है मुझे, तो मैंने सेंटर में पूरा फॉर्म ला दिया। अभी मुझे पूरा फॉर्म चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, फॉर्म के बाद सेंटर क्लोज करूंगी, क्या करूंगी, सेंटर को क्लोज करूंगी, राइट। नाउ ये क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया। नाउ अभी मुझे चाहिए दूसरा, मैं ले रही हूं, देखते हैं हम दूसरा, ये हमारा हो गया इनपुट, ओके। अभी ये इनपुट के अंदर आप देख रहे हो ये जो फॉर्म एक्शन और मेथड है वो क्या है फॉर्म के अंदर, सो ये उसके एट्रीब्यूट है। मैंने आपको बताया था कि फॉर्म के अंदर क्या आता है, HTML टैग के अंदर दो आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। तो एलिमेंट हम किसको बोलेंगे, फॉर्म को, जिस जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ आता है उसे बोलते हैं हम एलिमेंट। और एट्रीब्यूट किसे बोलेंगे, तो एलिमेंट के अंदर हम जो वैल्यू डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट कौन सी है, ये जो एक्शन वाला है ये एक्शन है वो एट्रीब्यूट है, और मेथड है वो एट्रीब्यूट है। आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फॉर्म में कितने एट्रीब्यूट यूज होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यू ऑब्जर्व दैट फॉर्म एलिमेंट यूज टू एट्रीब्यूट नेमली एक्शन एंड मेथड। The action attribute is used to specify where to send the form data when the form is submitted. अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके बताती हूँ, so you can understand better. Action क्यों यूज होता है कि जब भी हम ये फॉर्म क्रिएट करते हैं, जब भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा ऑनलाइन, तो आप क्या करते हैं, फिलअप करके क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। जो फॉर्म ये सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म कहाँ पे जाता है, उसे कोई हमें एड्रेस देना पड़ेगा, कोई लोकेशन दिखाना पड़ेगा, तो वो लोकेशन हम कहाँ से देंगे, उसे एड्रेस कहाँ पे देंगे, तो ये एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर उसे हम क्या देंगे, एड्रेस दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है register.html। तो जब भी फॉर्म आप फिलअप करोगे और सबमिट करोगे तो एक रजिस्टर नाम की दूसरी फाइल है, वहां पे आपका पूरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, राइट। देन आफ्टर दिस फाइल इज ओपन व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द सबमिट बटन आफ्टर फिलिंग द डेटा, जो मैंने बोला आपको, ओके। एक्शन के अंदर क्या आता है, फाइल नेम आता है जो मैंने बोला, द मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द HTTP मेथड टू बी used when sending the data। अभी ये method क्या है, form की एक attribute हमने समझी action, दूसरी attribute क्या है method। अभी ये method क्या है, तो ये method है hypertext transfer protocol की, HTTP की method है उसकी, उसे specify करता है कि कौन सा HTTP ये use करता है, right। So it can take a two value, कौन सी दो value use करता है, get and पोस्ट। वट इज अ डिफरेंट बिटवीन गेट एंड पोस्ट, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ कि उसके बीच में डिफरेंस क्या है। द गेट मेथड रिट्राइव्स द डेटा फ्रॉम द फॉर्म एंड सेंड इट टू द सर्वर बाय अटैचिंग इट द एंड ऑफ द URL।
मतलब गेट में क्या होता है कि इसमें डेटा सेंड होता है सर्वर को बाय अटैचिंग द नेम, जो फाइल का नेम जो हमने वैल्यू दी होती है, जो लाइक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि नेम इज इक्वल टू उर्वशी, तो ये उर्वशी जो पूरा वैल्यू है ये वैल्यू को अपने साथ में यूआरएल में प्रिंट करवाएगा, दैट मींस ये सिक्योर नहीं है, राइट। और इसमें हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही सेंड कर सकते हैं। वेयर एज इन अ पोस्ट वी कैन सेंड अवर इंफॉर्मेशन इन अ ब्लॉक मेथड, सेंड एज ए ब्लॉक थ्रू द एचटीटीपी ट्रांजेक्शन, ये सिक्योर मेथड है। पोस्ट के अंदर यूआरएल में जो भी आप वैल्यू हो दे रहे हैं, लाइक उर्वशी, नेम इज इक्वल टू उर्वशी, तो उर्वशी की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है उर्वशी, वो पोस्ट अगर हम मेथड देंगे तो वो क्या करेगा, यूआरएल में दिखाएगा नहीं, दैट मीन्स दिस इज अ सिक्योर मेथड। और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डेटा लेंथ के लिए, हम कितना भी चाहे उतना सेंड कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सी है, गेट। तो ये एग्जांपल हम समझते हैं फॉर्म का। सो यहाँ पे हम ले रहे हैं फॉर्म, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं कोई भी थैंक यू फाइल का जो है एक्सटेंशन दे रही हूँ HTML, और मेथड इक्वल टू गेट, क्या दे रही हूँ, गेट। मैंने सेव किया और यहाँ पे दे रही हूँ लास्ट में नीचे सबमिट बटन टाइप, इज इक्वल टू सबमिट, राइट। नेम इज इक्वल टू, नेम देना पड़ता है, ये नेम क्या है जो अपने बटन पे प्रिंट होगा वो सबमिट। यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन इनपुट टाइप आपको कंपलसरी क्या देना होगा, सबमिट। हम ये रन करवाते हैं, सेव करके ये रन करवाते हैं, फाइल क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि सेंटर में आ गया है, हमने सेंटर में दिया हुआ था तो सेंटर में आ गया है, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, नेम के बाद ये जो बॉक्स है तो सबमिट बटन हमें नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट देंगे, वो क्या होगा, एक ब्रेक, BR दैट मीन्स ब्रेक। रिफ्रेश करेंगे, पेज आ गया, अभी हमें एक बार और ब्रेक देना है सो दैट वो अच्छा लगेगा थोड़ा, राइट। नाउ अभी आपको यहाँ पे अगर स्पेस देनी है, आ गया, अभी ये नेम के बाजू में आपको क्या देना है, नेम के साइड में आपको अगर स्पेस देनी है तो आप क्या दे सकते हो, एन पर्सन नॉन ब्रेकेबल स्पेस NB SP, सेव। रिफ्रेश करेंगे, देख लिया आपने यहाँ पे थोड़ी स्पेस हो गई इसके बाद, राइट। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे दे रही हूँ उर्वशी एंड आई विल सबमिट, तो आप क्या देख रहे हो कि ये फाइल मेरी जो है थैंक यू पे चली गई, देख दिखाई दे रहा है आपको यूआरएल में कि मेरी फाइल है वो कहाँ पे चली गई, थैंक यू पे चली गई, राइट। नाउ हम आगे चलते हैं जिसमें हम करेंगे पोस्ट, पोस्ट से क्या होता है, हम डिफरेंस देख ले, पोस्ट यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, फिर से कहाँ पे जाएंगे, फॉर्म पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्या आता है यूआरएल में, सबमिट किया, दिखाई दे रहा है आपको, जो गेट में पीछे वैल्यू दी हुई थी सबमिट की, वो वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, चली गई, दैट मीन्स ये क्या है, सिक्योर है। ये आपको क्या होगा कि फाइल पे जो एड्रेस आपने दिया हुआ है वहां पे लेके जाएगा, लेकिन क्या होगा, इसमें
जो आपने वैल्यू पास की हुई है वो वैल्यू आपको पीछे दिखाई देगा नहीं। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। अगर फॉर्म में से आपको इतना पता चल गया कि व्हाट इज गेट पोस्ट एंड व्हाट इज एट्रीब्यूट, सो फिर से हम मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या आता है। पेयरिंग टैग यूज होता है, एचटीएमएल ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। सो ये बॉडी स्ट्रक्चर आपको कंपलसरी याद रखना होगा कि एचटीएमएल, देन आफ्टर हेड, देन आफ्टर टाइटल, देन आफ्टर यू हैव टू कंप्लीट टाइटल एंड हेड, देन बॉडी एंड यू हैव टू कंप्लीट द बॉडी एंड एचटीएमएल टैग। देन आफ्टर वी हैव क्रिएटेड अ फॉर्म इन व्हिच वी यूज द एक्शन एट्रीब्यूट एंड मेथड एट्रीब्यूट। फॉर्म इज एन एलिमेंट वेयर एज एक्शन इज एट्रीब्यूट एंड मेथड इज ऑल्सो एन एट्रीब्यूट। उसके अंदर हमने क्या किया, तो एक फील्ड ले ली, इनपुट टाइप ले लिया हमने कौन सा, टेक्स्ट, और सबमिट बटन ले लिया। नाउ आगे क्या दिया हुआ है, हमें इनपुट फील्ड्स दी हुई है, तो ये इनपुट फील्ड्स है ये समझते हैं हम। नाउ अलग अलग फील्ड्स इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, अलग अलग इनपुट एलिमेंट्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रेडियो बटन, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियो बटन क्रिएट करते हैं, राइट। हम यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके मैं क्या कर रही हूँ, एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू, सॉरी नेम इज इक्वल टू, वैल्यू इज इक्वल टू मेल फीमेल यहाँ पे हम ले लेंगे, तो मेल क्रिएट किया, फिर से कॉपी करके क्या करेंगे हम, फिर से पेस्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं मैं बता रही हूँ आपको, ये मैंने क्या किया फिर से पेस्ट कर दिया वैल्यू में मेल की जगह, दूसरी में दूसरी बार क्या किया मैंने फीमेल ले लिया, फीमेल हम आउटपुट देखते हैं कि क्या आएगा हमारा आउटपुट। देख रहे हैं आपने, हमने जो रेडियो बटन क्रिएट किया वो यहाँ पे आ गए, लेकिन क्या हुआ, हमने आगे कुछ डिफाइन नहीं किया कि ये हमें क्यों फिल करना है, ये क्या है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये क्या है, जेंडर है। तो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, जाके इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट किया इसके बाद हम क्या करेंगे, फीमेल के बाद फिर से क्या दे देंगे, ब्रेक। ये सब आपको कोडिंग नहीं करना है, ये सब आपका कंपोजर में रेडी आएगा, लेकिन जब भी आपको एमसीक्यू पूछते हैं तो ये सारा पूछते हैं कि कहाँ से ये आया, कौन सा एलिमेंट यूज होता है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ये जो क्रिएट किया हुआ है वो आ गया, राइट। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे क्या आ गया, हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। अभी आप देखिए जो भी मैं वैल्यू सिलेक्ट करती हूँ वो सिलेक्ट हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एक ही वैल्यू सिलेक्ट हो रही है, राइट। अगर मैं मेल करूंगी तो फीमेल से टिक चला जाएगा, अगर मैं फीमेल पे करूंगी तो मेल से टिक चला जाएगा। तो रेडियो बटन की का पर्पस क्या है कि इसमें आप कोई एक ही वैल्यू सिलेक्ट करवा पाते हो। तो इसमें ये क्या है, पूरा रेडियो बटन इनपुट टाइप, रेडियो बटन क्या वर्क करता है, तो हमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट की जगह क्या देना होता है, रेडियो। इसमें नेम हमें डिफाइन करना होता है, रेडियो। वैल्यू में जो आप डिफाइन करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं, लेकिन वैल्यू डिफाइन करवाना रेडियो बटन में जरूरी है, नीडेड है।
राइट? सो दिस इज अ रेडियो बटन. नाउ के बाद क्या है? चेक बॉक्स, राइट? तो चेक बॉक्स कैसे यूज होता है, चेक बॉक्स हम कैसे यूज करेंगे? तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू checkbox, name is equal to, भी हम ले सकते हैं, name is equal to कुछ भी दे दिया मैंने. value में हम क्या देंगे, first of all यहाँ पे हम क्या define करवा रहे हैं, तो hobby कौन सी हो सकती है, तो like singing. यहाँ पे मैं singing फिर से type करूँगी. यहाँ पे आप सिंगिंग की बजाय कुछ भी शॉर्ट फॉर्म भी दे सकते हैं वैल्यू में, लेकिन ये वैल्यू देना जरूरी है. लेकिन यहाँ हमने डिफाइन नहीं किया. क्या डिफाइन नहीं किया हमने? लेबल की एक्चुअल में क्या है. तो मैं यहाँ पे आके क्या कर रही हूँ, लेबल को डिफाइन कर रही हूँ. तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, क्या करवाना है हमें, कौन सी फील्ड फिल करवानी है. तो मैंने हॉबी ले लिया, हॉबी, राइट? के बाद हम क्या कर रहे हैं, मैंने ये प्रिंट करवा दिया. आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेव करवाते हैं, आउटपुट उसका देख लेते हैं कैसा आ रहा है. यहाँ पे आपने देख लिया कि ये हॉबी आ गया, सिंगिंग आ गया, ये टिक भी हो रहा है. अभी मैं दूसरी कोई वैल्यू इसमें क्या कर रही हूँ, इंसर्ट कर रही हूँ, राइट? तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी के बाद फिर से हम ये क्रिएट करते हैं. इस वैल्यू में क्या दे देंगे, डांसिंग का डी मैंने दे दिया है. आप कुछ भी अपनी हॉबी डाल सकते हैं, डांसिंग एंटर करके. और एक फील्ड इंसर्ट करवा देती हूँ. क्या करवाई मैंने, करवाई गेम, गेमिंग के लिए मैंने क्या किया, वैल्यू प्रिंट करवा दी. अभी ये सेव करवाती हूँ और रिफ्रेश करके हम देखते हैं कि क्या हुआ. आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्या आया आउटपुट. हॉबी के लिए चेक बॉक्स, रेडियो बटन में क्या आएगा, राउंड सर्कल आएगा. वही चेक बॉक्स में कौन सा आएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर शेप आएगा. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेक बॉक्स में हम एक से ज्यादा वैल्यू को चूज कर सकते हैं, लेकिन जेंडर में, मतलब रेडियो बटन में क्या होता है, हम एक ही वैल्यू चूज कर सकते हैं. अगर हम दूसरी वैल्यू चूज करना चाहेंगे तो भी ये हमें करने देगा नहीं, ये दूसरा अनटिक हो जाएगा. वेयर एज इन अ चेक बॉक्स वी कैन चूज मल्टीपल वैल्यू. सो ये हो गया चेक बॉक्स. उसके बाद आता है टेक्स्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कौन सा था टेक्स्ट, ये रहा हमारा टेक्स्ट. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जिसमें हम टेक्स्ट ऐड करने के लिए बॉक्स क्रिएट करते हैं. उसके बाद आता है पासवर्ड. तो ये पासवर्ड क्या है, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये पासवर्ड, यहाँ पे ब्रेक दे देंगे वरना ये अच्छा नहीं लगेगा. तो तभी हमें ध्यान रखना है कि देखने में भी थोड़ा अच्छा लग जाएंगे, डिजाइनिंग भी हमें थोड़ी करनी पड़ेगी, सो दैट यूजर को भी अच्छा लगे फील करना हो. मैंने यहाँ पे ले लिया पासवर्ड. उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैं क्या ले रही हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है अभी हमें, इसे मैं नल रख सकती हूँ. नेम के अंदर मैं क्या दे रही हूँ, पासवर्ड. सेव करते हैं, देखते हैं कौन क्या आउटपुट आ रहा है. आप देख सकते हो अगर मैं कुछ भी टाइप करूंगी तो क्या हो रहा है,
ये पासवर्ड जो है वो क्या आएगा, सिक्योर आएगा, हमें जो भी हम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं वो पासवर्ड क्या होगा हमें दिखाई देगा नहीं। सो दिस इज द यूज ऑफ टैग कॉल्ड पासवर्ड। के बाद आता है सबमिट। पासवर्ड क्या करता है एक्चुअल में, नॉन रीडेबल में उसे कन्वर्ट करता है, राइट, ये हम रीड नहीं कर पाते। उसके बाद आता है सबमिट बटन। सबमिट बटन मैंने आपको बताया, हमने कर लिया पहले कि सबमिट बटन क्या है, कि हमने फॉर्म में यहाँ पे जो एक्शन में वैल्यू दी है उसे उस एड्रेस पे पहुंचाने के लिए हमें सबमिट बटन का यूज करना पड़ता है। सबमिट बटन उसे सेंड करता है, वेयर एज एक्शन क्या करता है उसे लोकेशन बताता है। उसके बाद है रीसेट। ओके, रीसेट किस लिए यूज होता है, तो वैल्यू को रीसेट करवाने के लिए। आपने अभी देखा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम सबमिट के पास क्या करेंगे, सबमिट इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट नेम इज इक्वल टू रीसेट। सेव किया, अभी फिर से जाके हम रन करवाएंगे। क्या हो रहा, पहले सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे जो फाइल है इसे हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे सो दैट वो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके ब्रेक एलिमेंट एम्प्टी टैग दे दिया। ब्रेक जो है वो हमें, हमारा क्या कौन सा टैग है, एम्प्टी टैग। जैसे एलिमेंट सॉरी बॉडी है वो पेयरिंग टैग है, क्यों, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग हम दोनों यूज करते हैं। ब्रेक में क्या करते हैं, हम सिर्फ अकेला ब्रेक ही यूज करते हैं, राइट, इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेक नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट है, मतलब हमारा क्या हो गया, ये सिंगल एलिमेंट। सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी मैं वैल्यू दे रही हूँ इसमें, फीमेल सिलेक्ट किया मैंने, फीमेल डांसिंग, पासवर्ड कुछ भी दे दिया, और यहाँ से मैं करूंगी रीसेट। तो क्या हो गया, मेरी पूरी वैल्यू क्या है, चली गई यहाँ से। रीसेट का मतलब हो गया कि पूरा जो फॉर्म है उसे क्या करता है, रीसेट कर देता है, राइट। सो ये हमारे हो गए इनपुट फील्ड्स। अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरे टेक्स्ट एलिमेंट भी है जो हम समझ लेते हैं, टेक्स्ट एरिया ये भी एलिमेंट है। टेक्स्ट एरिया हम क्यों यूज करते हैं, तो मल्टीपल लाइन को इनपुट करवाने के लिए, हमें एक से ज्यादा लाइन इंसर्ट करवानी है। लाइक एड्रेस, एड्रेस में क्या करते हैं हम, एक लाइन का एड्रेस तो होता नहीं है हमारा, राइट। कमेंट, कमेंट किसी की एक लाइन से ज्यादा हो सकती है, तो ये सारे जो इंसर्ट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। इट अलाउ एंटरिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ अ कैरेक्टर। सो इन अ कमेंट, इन अ रिपोर्ट, इन अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन वी यूज दिस टेक्स्ट एरिया। द साइज ऑफ अ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट कैन बी स्पेसिफाइड यूजिंग रोज एंड कॉलम। अभी ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले हम देखते हैं टेक्स्ट एरिया क्या है। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ फिर से हमारे नोटपैड में। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आ गई, मैंने नोटपैड के अंदर ये जो हमारा फॉर्म है इसमें मैंने क्या किया, मुझे क्या करवाना है, हम टेक्स्ट एरिया पे थे, राइट। तो मैंने ये ले लिया टेक्स्ट एरिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, टेक्स्ट एरिया, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लेबल दे रही हूँ एड्रेस करके। यूजर को हमें बताना भी पड़ेगा कि उसे क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करवानी है, तो उस
लिए हम ये लेबल ऐड करवा दे रहे हैं। एड्रेस राइट, हम कमेंट भी करवा सकते हैं, कमेंट। चलो हमने कमेंट करवा दिया, तो ये क्या हो गया, सेव करते हैं, इसे रन करवाते हैं, देखते हैं, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे आ गया। हमने क्या किया, हमने ऊपर ले लिया, सबमिट बॉक्स के ऊपर ले लेते हैं इसे, कहाँ पे, तो यहाँ पे ले लिया मैंने डेट्स। यहाँ पे जाके फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे उससे ब्रेक फिर से लगाना पड़ेगा, पेस्ट, सेव, जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क्या हुआ, कमेंट बॉक्स आ गया, देखो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ, देखो दिखाई दे रहा है आपको, राइट। अभी ये जो बॉक्स है उसकी साइज मुझे बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगी, तो इसके लिए यूज होता है रोज एंड कॉलम्स। मैंने बताया था कि उसकी जो ये रोज है यूजिंग रो और कॉलम, उसका मैं आपको बाद में समझाऊंगी, तो वो क्या है, उसकी साइज हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो रोज एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ अ टेक्स्ट दैट विल बी विजिबल विदाउट स्क्रोलिंग अप एंड डाउन। हम स्क्रोलिंग किए बिना रोज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस, तो हम ये करते हैं रोज इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गए हम फिर से टेक्स्ट एरिया में, और फिर से टेक्स्ट एरिया में हमने क्या किया, रोज इक्वल टू, हमको रोज कौन कितनी रखनी है, हमें यहाँ पे रख रही हूँ 10, ये रख रही हूँ 10 रोज, और कॉलम्स कितनी रख रही हूँ, कॉल्स इज इक्वल टू, हाँ 10 रखते हैं, ये भी मैं 10 रख रही हूँ। अभी देखते हैं कि हुआ क्या, रिफ्रेश करते हैं जाके, राइट, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे आके, क्या हुआ, मेरे कमेंट बॉक्स की साइज जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। अभी ये थोड़ा और लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, रोज को कितनी कर दूंगी, 5 कर दूंगी, और इसे कॉलम को 10 रहने दे रही हूँ। अभी रिफ्रेश कर रही हूँ, क्या हो गया मेरा कमेंट बॉक्स, अभी मेरे को यहाँ पे 20 करनी है, तो मैंने 20 किया, सेव किया, फिर से हो गया, ये जो हमारा कमेंट बॉक्स है ये रोज और कॉलम ऐसे वर्क करते हैं, राइट। उसके बाद है टेक्स्ट एरिया के बाद है सिलेक्ट एंड ऑप्शन। अभी आप सबको पता होगा कि कभी आपने फॉर्म फिलअप किया है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसमें क्या होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है ऑनलाइन फॉर्म के अंदर, कि वहां पे आप कोई भी वैल्यू चूज करते हैं। यहाँ पे सिटी का एग्जांपल दिया हुआ है कि सिटी हमें अगर चाहिए होती है तो हम क्या करेंगे, लेट्स गो एंड ट्राई इट, हम आ गए यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट सिलेक्ट टैग ले लिया, क्लोज करना मत भूलिएगा वरना आउटपुट हमारा नहीं आएगा, सिलेक्ट क्लोज कर दिया मैंने। अभी ये सिलेक्ट क्यों यूज होता है मैं अभी आपको बताती हूँ, फिर आता है ऑप्शन, और ये ऑप्शन में आ गया नेम, सॉरी इसमें मैं ले रही हूँ अहमदाबाद, ऑप्शन कंप्लीट किया। अभी ये जो है आपका सिलेक्ट, ये सिलेक्ट क्यों यूज होता है, तो ये ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करवाने के लिए हम सिलेक्ट नाम का टैग एलिमेंट यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, सिलेक्ट। और ये ऑप्शन जो है, तो ये ऑप्शन हम क्यों यूज करते हैं, तो उसके अंदर ये वो ड्रॉप डाउन के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी वो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन वैल्यू को चूज करते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए फिर से, अभी यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं, मैंने ये ऑप्शन एक ले लिया है, फिर मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे दो तीन ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट करवा रही हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने ले लिया वडोदरा,
फिर ले लिया मैंने सूरत, तो वैल्यू भी मैंने एस से सेव की सो दैट आई कैन रिमेम्बर सूरत, और यहाँ पे मैंने ले लिया भरूच। भरूच राइट, सेव करते हैं, रन करवाते हैं, क्या हुआ, रिफ्रेश करवाते हैं, क्या हुआ, देखिए ड्रॉप डाउन में ये आ गया अहमदाबाद बड़ौदा सूरत भरूच। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी आप एक काम करवा सकते हैं कि ये जो हमने वैल्यू दी है यहाँ पे फिर से मैं क्या करवा रही हूँ कि पेस्ट, फिर से इसे पेस्ट करवा के क्या कर रही हूँ, मैं एक दूसरी वैल्यू ले रही हूँ जिसे हम करेंगे सिलेक्ट सिलेक्ट सेव। अभी हम ये लेबल तो भूल गए यहाँ पे कि यूजर को फिर से हमें बताना पड़ेगा कि ड्रॉप डाउन में क्या है, तो यहाँ पे क्या है, क्या चूज करना है उनको, सिटी चूज करनी है राइट। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करवा देती हूँ और यहाँ पे उस यूजर को बता देती हूँ कि आपको यहाँ से क्या चूज करना है, सिटी चूज करना है। यहाँ से मैं गई, फिर से मैंने रिफ्रेश करवाया, क्या हुआ, सिटी चूज करवाना है तो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से मैंने बड़ौदा सिलेक्ट कर दिया राइट। सो ये हो गया हमारा सिलेक्ट एन ऑप्शन एलिमेंट। अभी यहाँ तक ये फॉर्म में कुछ भी नहीं पता चला तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इमीडिएटली आपकी हेल्प करूंगी। और आपको अपनी बुक में ये फॉर्म दिया हुआ है, आप अपने आप एक बार ट्राई कीजिए, नोटमेड में जाइए, फॉर्म क्रिएट कीजिए एक बार ऐसा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड होल द थिंग, होल द क्राइटेरिया, ये फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा आप एक बार समझ जाएंगे तो ये इजी रहेगा आपके लिए राइट। अभी आप सबको मुझे एक फॉर्म क्रिएट करके सेंड करना है, एक अपनी इंफॉर्मेशन आपके बारे में, या कोई स्कूल का फॉर्म, या कोई गवर्नमेंट साइट का फॉर्म, कोई भी फॉर्म जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आ जाना चाहिए जो हमने सीखे हैं, या आज यहाँ पे कौन कौन से, हम फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हमने सीखा जिसमें टेक्स्ट एंटर होता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो सीखा जिसमें रेडियो यूज होता है, फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स सीखा जिसमें हम कोई भी एक से ज्यादा वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां रेडियो में क्या होता है, हम एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर पाते हैं। फिर इसके बाद आता है पासवर्ड जो अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है हमारे टेक्स्ट को। इसके बाद टेक्स्ट एरिया आता है जिसमें जो हम यूज करते हैं एंटर करने के लिए एक से ज्यादा लाइन। इसके बाद आता है सिलेक्ट एन ऑप्शन जो यूज होता है ड्रॉप डाउन मेनू के लिए, एंड सबमिट एंड रिसेट बटन, सबमिट करवाने के लिए सबमिट बटन एंड रिसेट करवाने के लिए रिसेट बटन। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी आज पता नहीं चला तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए इमिडिएटली, और ये जो आपका पूरा फॉर्म है, इनपुट है, एट्रीब्यूट है, ये सारे आपको एक बार समझना है, आपको ये प्रैक्टिकल करना नहीं है, लेकिन ये जो सारा होता है थियोरी पोर्शन, ये सब आपको क्या पूछते हैं, एमसीक्यू में पूछते हैं। और जब आप कंपोजर में फॉर्म क्रिएट करेंगे तो आपको ये सारा आइडिया पता होगा तो ही आप उसमें इजीली कर पाओगे। मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ कि आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें ये सारी फील्ड जो मैंने आज सिखाई है वो सारी फील्ड इसमें आ जाती है राइट। तो आई होप दैट आप ये सब करेंगे, और मुझे सबमिट करना है अपने नाम देके, अपना नाम सबमिट करके मुझे व्हाट्सएप करना है सारी फाइल्स जो आपने बनाई है। अभी एक हमारा यहाँ पे रह गया है फाइल में, हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं कि है क्या, तो यहाँ पे मैं जाके क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं H1 टैग ले लेती हूँ, यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देती हूँ कि डेमो फॉर्म। तो ये क्या हो गया, देखिए अभी सेव किया, रन करवाया, क्या आ गया, डेमो फॉर्म टाइटल आ गया यहाँ पे। तो ये फॉर्म आप क्रिएट कीजिए, ये फाइल मुझे सेंड कीजिए, और
अगर कुछ नहीं पता चल रहा तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, તમે મને વોટ્સએપ પણ કરી શકો છો. આપણા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અમારે નેક્સ્ટ વિડીયો મે હમ ક્યા કરેંગે, કમ્પોઝર સીખેંગે કે કમ્પોઝર ક્યા હે. યે આપ અપને ટેક્સ્ટ બુક મે દેખ રહે હૈ જો મે સ્ક્રોલ કર રહી હું અભી. ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ અ કમ્પોઝર, યે કમ્પોઝર ક્યા હૈ, ઓપન સોર્સ હૈ, ઇસકે બારે મે હમ નેક્સ્ટ વિડીયો મે સીખેંગે. ટિલ ધેન મેક અ વ્યૂ ફોર્મ એન્ડ